अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हमजा, यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल MHB अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3। माय टॉपिक टुडे इज़ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ से सिविलाइजेशन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है वहीं से अकाउंटिंग की हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिस फॉर्मेट में आज हम अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम आज हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग 1494 इटली से हुई थी। यानी जब इटली के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था ल्यूका पिचोली ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम डबल एंट्री सिस्टम था। उन्होंने डेबिट क्रेडिट जनरल लेजर को डिफाइन किया था जिसको आज हम स्टडी करते हैं, इसीलिए ल्यूका पिचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। अकाउंटिंग सिविलाइजेशन की तरह ही एक पुराना है। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। मेसोपोटामिया 7500 बिफोर क्राइस्ट। दे यूज अ स्मॉल क्ले ऑब्जेक्ट एज काउंटर्स फॉर कीपिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड पार्टिकुलर क्वान्टिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स कमोडिटी। अकाउंटिंग को सबसे पहला डिवेलपमेंट हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था 7500 बिफोर क्राइस्ट। वो क्या करते थे कि एक स्मॉल क्ले ऑब्जेक्ट, इट्स मीन मिट्टी का एक ऑब्जेक्ट लेते थे जो एक डिनोट करता था पार्टिकुलर कमोडिटी को। अगर किसी के पास कोई भी कमोडिटी होती थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल क्ले ऑब्जेक्ट भी होता था, और जितने ज़्यादा इसके पास स्मॉल क्ले ऑब्जेक्ट होंगे इसकी क्वांटिटी से ही इसके पास कितनी कमोडिटी है अंदाज़ा लगा लिया जाता था। अर्ली ऑडिटिंग सिस्टम। इजिप्ट एंड बेबीलोनिया 500 बिफोर क्राइस्ट। अर्ली ऑडिटिंग सिस्टम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो इजिप्ट एंड बेबीलोनिया 500 बिफोर क्राइस्ट से हुई थी, जो रॉयल एंट्री की डिटेल इंफॉर्मेशन रखते थे, और ये 500 बिफोर क्राइस्ट पुरानी बात है, और बेबीलोनिया को हम सिटी ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। अपोर्शनिंग द रेवेन्यूज। रेवेन्यू के बांटने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 4000 बिफोर क्राइस्ट से ग्रीस से हुई थी। मेमोरेंडम डे बुक ऑफ डेली बेसिस एंड लेजर ऑन मंथली बेसिस। मीन डे बुक मतलब के डेली एंट्री करना, और लेजर डे बुक के बेसिस पर एंड ऑफ द पीरियड इसको पोस्टिंग करना। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? रूम से हुई थी 700 बिफोर क्राइस्ट से। सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। सोफिस्टिकेटेड गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जो फॉर्म है वो चाइना से स्टार्ट हुआ था, और चाइना ने ही अबेकस का सबसे पहले डिजर्व किया था अकाउंटिंग पर्पस के लिए। सिमिलर टू आ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक इंडिया 300 बिफोर क्राइस्ट। ओनली फ्यू डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर गिवन। इंडिया में 300 बिफोर क्राइस्ट बुक लिखी गई थी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर थी, और वो बुक लिखी थी कार्टला ने। वो उस बुक का नाम था आर्थिक शास्त्रा, और ये मौर्य समाज से जिससे ये रिलेट करते हैं उससे बिलोंग करते हैं। हालांकि ये बुक जो थी वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड थी, पर उन्होंने अकाउंटिंग पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमें किसी बुक में अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन मिली है। फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है वो है ल्यूका पिचोली, फर्स्ट पर्सन टू पब्लिक अ बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग इन 1494। He defined much modern day thinking about debit, credit, journal and ledger with
इंडस्ट्रियलाइजेशन केम अ नीड फॉर एडवांस मेथड अकाउंटिंग। ल्यूको पैचोली को कहा जाता है, जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने 1494 में जो बुक लिखी थी उसका नाम डबल एंट्री सिस्टम था। इसके बाद 19th सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया। जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होने लगी, फैक्ट्रियों में मास प्रोडक्शन होने लगा। उनको प्रोफेशनल की ज़रूरत थी जो उनकी सेल्स को, उनकी परचेज को रिकॉर्ड कर सके, उसकी बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस जो होता था उनको उनको पता चल सके, उनको वो फाइंड आउट कर सकें। तो 19th सेंचुरी में अकाउंटिंग प्रोफेशनल की ज़रूरत महसूस होने लगी, तो अकाउंटेंट का 19th सेंचुरी के मिड में कॉन्सेप्ट आया था। तो सबसे पहले 1854 में स्कॉटलैंड में अकाउंटिंग का एक ग्रुप था, वो क्वीन विक्टोरियस के पास पार्टीशन फाइल करने के लिए गया। उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग प्रोफेशन को रिस्पेक्टिबिलिटी और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो उस वक़्त दूसरे प्रोफेशन के लिए थे। तो इस तरह 1854 स्कॉटलैंड से उसकी स्टार्टिंग होगी। इसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट खोला गया, जो इंग्लैंड एंड वेल्स 1818 में स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद अमेरिकन में अकाउंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इस्टेब्लिश किया गया 1887 में। तो उसके बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई। देन इसमें कंसेप्ट कन्वेंशंस जनरली एक्सपेक्टेड प्रिंसिपल आते गए और इसमें लोग सर्च करते गए और इसमें चेंजिंग आती गई। ये थी सॉर्ट ऑफ अकाउंटिंग की हिस्ट्री। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमज़ा बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।